अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सईदा इकरा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोज साइकिक। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था द साइकोलॉजिकल टाइप्स। हमने द साइकोलॉजिकल टाइप्स को डिटेल में देखा था। उसमें फर्स्ट इंट्रोवर्जन आ रही थी, सेकंड वन उसकी एक्सट्रोवर्जन थी। हमने इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन को भी डिटेल में देखा था कि अगर हम एक्सट्रोवर्जन या इंट्रोवर्जन है तो हमारी पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है। उसके अलावा हमने इसके फंक्शंस पढ़े थे पर्सनैलिटी के, उनको इन डिटेल देखा था, जिसमें सेंसेशन है, थिंकिंग है, फीलिंग्स हैं, इंस्टीट्यूशन थी लास्ट वन, और उसके बाद उसकी 8 डिफरेंट टाइप्स थी जो इन्हीं के ऊपर बनी हुई हैं, जिसमें फर्स्ट वन है एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग, फिर इंट्रोवर्टेड थिंकिंग, एक्सट्रोवर्टेड सेंसेशन, इंट्रोवर्टेड सेंसेशन, एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग, इंट्रोवर्टेड फीलिंग, एक्सट्रोवर्टेड इंस्टीट्यूशन और इंट्रोवर्टेड इंस्टीट्यूशन। जस्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसके नेम्स देखे थे, आज हम इनको इन डिटेल पढ़ेंगे। एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग पे बात करें तो एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग वाले लोग वो लोग होते हैं जो कि आमतौर पर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो अपने तमाम तर ज़िंदगी के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनको बहुत सख्ती से फॉलो करते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उनको, और वो बहुत वक्त के बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं। हर काम अपना पूरे टाइम पे करते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो हमेशा अपना हर काम अपने गिवन टाइम के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि वो डेडलाइंस को कंप्लीट करते हैं। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो हर काम अपने मकसद के लिए करते हैं। वो हमेशा अपने आप को पहले रखते हैं और दूसरों को बाद में। वो अपने लिए पहले सोचते हैं और दूसरों के बारे में बाद में सोचते हैं। लोग ऐसे लोगों को फुलिश पीपल के नाम से, यानी कि बेवकूफ़ लोगों के नाम से जानते हैं, उनको बेवकूफ़ कहते हैं। इसी तरह अगर इंट्रोवर्टेड थिंकिंग की बात की जाए तो ये वो लोग होते हैं जो ज़्यादातर अपने ख्यालात और अपने एहसासात में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। वो ये देखते हैं कि उनकी थिंकिंग क्या है, उनके थॉट्स और उनकी फीलिंग्स क्या है। वो ग्रुप्स में काम करना पसंद नहीं करते, मतलब कि वो इंट्रोवर्टेड तो होते हैं लेकिन कि वो अपना काम खुद अकेले काम करना पसंद करते हैं। नीज़ वो भीड़ में रहने के लिए भी थकावट महसूस करते हैं। वो ज़्यादातर वक्त अकेले रहकर ज़्यादा आरामदायक महसूस करते हैं, यानी कि वो अगर अकेले रहेंगे ना तो उनको लगेगा कि वो रिलैक्स्ड हैं, और काम भी वो अकेले ही करना पसंद करते हैं ग्रुप्स की बजाय। दे आर वेरी क्रिएटिव पर्सन्स, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को वो यूज़ में तब लाते हैं जब वो अकेले होते हैं। जब वो बिल्कुल अकेले रहते हैं तब वो अपनी सलाहियतों को सामने लेके आते हैं, किसी के सामने वो नहीं जाहिर करते कि वो बहुत क्रिएटिव हैं। अब बात करते हैं थर्ड वन की, जहाँ पे आते हैं एक्सट्रोवर्टेड सेंसेशन वाले लोग। ये सेंसेशन ज़ाहिर है हमारी खुशी और गमी से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग जो एक्सट्रोवर्टेड पीपल सेंसेशन के साथ लेंगे उसमें ये वाले लोग आते हैं जो कि हर वक्त खुश रहना पसंद करते हैं, जो कि हर चीज़ में खुशी ढूंढते हैं। ये बहुत ही खुश मिजाज लोग समझे जाते हैं और ये माशरे में हर जगह हर चीज़ में खुशी ढूँढने की कोशिश करते हैं। इनके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है एक्सट्रोवर्ट्स, जिसकी स्पेलिंग EXTRVERTS है। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि हर चीज़ में खुशी ढूंढते हैं। इन्हें अपनी ज़िंदगी के किसी भी मामले के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, मतलब अगर कोई परेशानी भी आ जाए ना उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। ये सिर्फ खुशियों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं और खुशियों के लिए ही जीते हैं। इनके लिए ये कह सकते हैं कि एक्सट्रोवर्ट्स डू नॉट थिंक अबाउट एनी मैटर्स बट ओनली लिव्स फॉर हैप्पीनेस। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि ना सिर्फ खुद खुश रहते हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी खुश देखना चाहते हैं। ये ज़्यादातर जो है ना पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं, जिनमें इनको लगता है कि ये भी खुश रहने वाले लोग हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ हैं, तो ये उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वो हमेशा खुशी की तलाश में रहते हैं, मतलब कि ये टोटली हैप्पीनेस से रिलेटेड होते हैं। इसी तरह इंट्रोवर्टेड सेंसेशन वाले जो लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि दूसरे लोगों से ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाते, दूसरे लोगों से कोई तवक्कात नहीं होती, कोई उन लोगों से इनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। वो अपने काम खुद ही करना चाहते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो अपनी चीज़ें जो हैं वो खुद करें, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड ना हों। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये लोग माशरे पर इन्हसार नहीं करते, मतलब कि जैसे मैंने ऊपर बात की कि इनको दूसरे लोगों से कोई काम नहीं लेना होता, ये हर काम खुद करना पसंद करते हैं, डिपेंड नहीं होते किसी पे। ये इनको इस बात से भी किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है कि माशरे में क्या हो रहा है, उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ खुद में रहते हैं।
अब अगर एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग की बात करें तो ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं और बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को बहुत संजीदगी से देखते हैं। वो अपनी लाइफ में होने वाले हर सिंगल मोमेंट को जज करते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं और बहुत ही सीरियसली उसके वजह से इफ़ेक्ट होते हैं। मतलब कि वो बहुत जल्दी उसकी वजह से हर्ट हो जाते हैं और उस पर बहुत जल्दी रद्दअमल ज़ाहिर करते हैं। जब वो कोई चीज़ मतलब कि इनके दिल में आ जाती है ना, तो उस मोमेंट को लेके तो वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाते हैं। ये बहुत मिलनसार लोग होते हैं, बहुत ही जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं, लोग पे यकीन कर लेते हैं। ये इंट्रोवर्टेड लोगों के से उनकी सोच से बिल्कुल उल्ट होते हैं। ये लोगों में मतलब के ग्रुप में ख़ुद को मसरूफ़ करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट पार्टीज़ में जाना पसंद करते हैं, अपनी जो इनकी थिंकिंग है, इनकी क्रिएटिविटी है, उनको लोगों के साथ सामने जाहिर करने की कोशिश भी करते हैं। वो अकेले काम करने के बजाय लोगों के साथ काम करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। वो दूसरे लोगों के साथ अपने ख्यालात का तबादला करना भी पसंद करते हैं। ये कह सकते हैं हम कि अपने जो थॉट्स हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करते हैं और उन थॉट्स के ऊपर दूसरों से राय भी लेना पसंद करते हैं। इसी तरह इंट्रोवर्टेड फीलिंग वाले लोग जो होते हैं, ये बहुत ही डाउटेड पीपल होते हैं। मतलब ख़ुद के ऊपर शक करते हैं ये लोग। इस किस्म के जो लोग होते हैं हमेशा ख़ुद पे शक करते हैं, हमेशा अपने काम की वजूहात जो होती हैं, मतलब कोई काम अगर ख़राब हो जाता है इनसे तो उसको ख़ुद को उसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे लोग जो हैं ये वो बहुत ही गहरी सोच रखने वाले होते हैं, इनके लिए हम ये कह सकते हैं दे आर वेरी डीप थिंकर्स। इसके अलावा वो जो अपने जज्बात को अहमत और या उनके एहसास होते हैं, उनके थॉट्स, उनकी थिंकिंग्स होती हैं, उनकी फीलिंग्स होती हैं, उनको दूसरों के साथ शेयर बिल्कुल नहीं करते। वो अपनी ज़िंदगी के बहुत से इशूज़ जो हैं वो ख़ुद ही अकेले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं करते। इंट्रोवर्टेड फीलिंग डील्स विद मॉरल एंड व्हाट द पर्सन ट्रूली बिलीव्स। मतलब कि ऐसे लोग जो है ना वो इखलाकियात के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ही गहरी चीज़ सोचते हैं, गहरी बात सोचते हैं, बहुत ही पेचीदगी से सोचते हैं। इसको जजिंग फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं ना वो दूसरे लोगों को का फ़ैसला बहुत जल्दी कर लेते हैं। वो सोचते नहीं हैं किसी भी बात को, या उस मतलब इसको ये कह सकते हैं हम कि अगर किसी पर्सन से कुछ उनके साथ ख़राबी चल रही है ना, तो वो उसका फ़ैसला बहुत जल्दी कर देते हैं, उसको जज करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सट्रोवर्टेड इंस्टीट्यूशन। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो फंक्शंस को समझते हैं, मालूमात इकट्ठी करना पसंद करते हैं। इनके जहन बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो हमेशा किसी ना किसी नई चीज़ के ऊपर तजर्बे करते रहते हैं, कोई नई चीज़ तलाश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसके अलावा वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, हर चीज़ की मालूमात इकट्ठी करते हैं, बहुत डीपली रिसर्च करते हैं हर चीज़ के ऊपर, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ऐसे लोग फितरतन बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, वो किसी भी सिचुएशन को बहुत ही मोटिवेटेड तरीके से सॉल्व करते हैं और दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन देते रहते हैं। आगे एक क्वेश्चन अराइज हुआ था इस टाइप के ऊपर कि एक्सट्रोवर्टेड इंस्टीट्यूशन जो है वो किस तरह से डेवलप होती है। सम पीपल आस्क हाउ कैन दे डेवलप एक्सट्रोवर्टेड इंस्टीट्यूशन। इसके जो आंसर हैं वो उन्होंने कुछ पॉइंट्स के अंदर बताए हैं। उन्होंने बताया कि अगर हम साबित कदम रहें, जो चीज़ें हम सीख रहे हैं उसे आसानी से तर्क ना करें, खुश रहें, अब खामोशी से बैठ के कुछ वक्त दें अपने लोगों को, इर्द गिर्द की चीज़ों को, अपने ख्यालात के बारे में लिखें या बात करें, इन तरीकों पर अमल करके हम एक्सट्रोवर्टेड इंस्टीट्यूशन को डेवलप कर सकते हैं। आगे है इंट्रोवर्टेड इंस्टीट्यूशन जो कि लास्ट पॉइंट है, और इसमें ये बात कही गई कि ऐसे लोग जो होते हैं ना ये बहुत ही इनर्ट फोकस्ड होते हैं। मतलब कि अपने जो ख्यालात और अपने तसव्वुरात होते हैं ना, अपने अंदरूनी ख्यालात, अपनी अंदर की दुनिया, अपनी जो ख्यालों की दुनिया उन्होंने बनाई होती है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। इस तरह के लोग अपनी डेली लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। इस तरह के लोग जो है ना अपने अनकॉन्शियस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसी में ही रहते हैं। वो अपनी जो इर्द गिर्द की मालूमात होती हैं या इर्द गिर्द का माहौल होता है, अपनी डेली लाइफ को एंजॉय नहीं करते, अपनी रूटीन्स को एंजॉय नहीं करते, ना ही ज़्यादा वो अपनी किसी
साइड की चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, वो अपने ही ख्यालों में अलग से रहना पसंद करते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग जो है ना, वो अपने माइंड में एक ड्रीम को एनालाइज कर खुद से ही सोच लेते हैं, वो एक ख्वाब बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में और उसी के बारे में ही सोचते रहते हैं और उसी को सोच सोच के इन्जॉय करते रहते हैं, उसी से लुत्फ़अंदोज़ होते रहते हैं। वो हकीकत पर कोई तवज्जो नहीं देते, वो अपने सिर्फ अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर ही फोकस करते हैं, अपनी जो इनर फीलिंग्स होती हैं, इनर थॉट्स होते हैं, अपनी जो ड्रीम खुद का उन्होंने बुना हुआ होता है एक, उसके ऊपर बस उनका सारा फोकस होता है, सारी तवज्जो उनकी उसी के ऊपर होती है। वो रियल लाइफ से, अपनी डेली लाइफ से, अपनी रियल रूटीन से उनका कोई लिंक नहीं होता, ये सिर्फ अपने ड्रीम्स में रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे हमारी ये इन 8 साइकोलॉजिकल टाइप्स की डिटेल ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। अगर कहीं आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जाते जाते हमारे चैनल डेजर्ट रोज साइकिक को सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।